दो सालों में हमने कई सितारों को सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से खो दिया है। फिर चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो या फिर दीपेश भानु, राजू श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार सोपटी और सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, सभी ने अपनी जान इसी हार्ट अटैक के कारण गंवा दी। जो फिट रहने के लिए दिन रात जिम में पसीना बहाया करते थे, वैसे हैरानी की बात तो यह है कि इनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, सब 40 से 50 के बीच के ही थे। वहीं सुष्मिता सेन, जिन्हें हाल ही में दिल का दौरा पड़ा, सुष्मिता सेन ने अपने हार्ट अटैक की जानकारी देकर फैंस के साथ साथ फिल्म जगत को भी चौंका दिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया था कि उन्हें कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। इस न्यूज को सुनने के बाद चारों तरफ तहलका मच गया था। परिवार और दोस्त यार उनकी अच्छी स्वास्थ्य की मंगल कामना करने लगे थे। अब यहाँ सवाल ये है कि उन्हें ये आया क्यों? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? जो सुष्मिता अक्सर चहचहाती दिखती हैं, जो हर चीज को पॉजिटिवली हैंडल करती हैं, उनके साथ ये अचानक कैसे हो गया? सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक के पीछे कई वजह हो सकती हैं, कुछ मेडिकल कारण भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने की एक वजह स्ट्रेस यानी तनाव भी होता है। तो क्या सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक तनाव की वजह से आया? तो इसका जवाब है, सुष्मिता के भाई राजेश सेन की लाइफ में पिछले कुछ सालों से सही नहीं चल रहा है। उनका चारू असोपा से ब्रेकअप, पेचअप और फिर ब्रेकअप ने सबको परेशान करके रख दिया है। ऐसे में सुष्मिता सेन को शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वह तो सेटल नहीं हो सकी हैं। लेकिन अगर उनके भाई की शादी हुई है तो वो एटलीस्ट राजी खुशी रह सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि इस वजह से न सिर्फ दोनों की थूतू हुई बल्कि सेन परिवार का नाम भी खराब हो रहा है, जिसे एक्ट्रेस ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि काम को लेकर एक्ट्रेस टेंशन में होंगी। दरअसल सुष्मिता सेन ने इंडस्ट्री में कई साल दिए, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, कई बड़े एक्टर्स के साथ पर्दे पर नजर भी आई, लेकिन कई सालों वह सिल्वर स्क्रीन से गायब रही। ऐसे में एक्टर हो या एक्ट्रेस, एक ब्रेक के बाद कमबैक करना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे उस तरह के रोल्स मिलना बंद हो जाते हैं जो उन्हें पहले ऊपर हो रहे होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बड़ों के किरदार मिलने की वजह से भी एक्टर्स पर्दे पर नजर नहीं आते। सुष्मिता के साथ भी ऐसे ही होने लगा था। उन्होंने बताया भी था कि वेब सीरीज आर्या के पहले उनको वो रोल्स मिल रहे थे जो वो करना नहीं चाहती थी, वह किसी दमदार कैरेक्टर की तलाश में थी। ऐसे में यह भी हो सकता है कि ढलती उम्र की वजह से उनको कम और बेकार रोल्स ऑफर होने के कारण भी वे तनाव में हैं। हालांकि ये सब तो लोगों की बातें हैं, सच क्या है वो तो सिर्फ सुष्मिता ही बता सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं सुष्मिता को हार्ट अटैक आने का कारण, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।